RCI online classes. Dear students, our next topic is electric potential energy of a system of charges. First topic, electric potential energy of system of two charges. देखो अलग अलग charges लेंगे, उनसे electric potential energy जो है potential energy वो calculate करें. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एनर्जी या वर्क जो है वो कब आएगा, जब किसी भी नेचुरल फोर्स के अपोज में हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कोई वर्क करते हैं तब उसका वर्क या एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि यहां से यहां पे मैंने कुछ चार्ज लिया, लेट अस कंसीडर एयर इज Q1 चार्ज. ठीक है, ये Q1 चार्ज जब यहां पे प्लेस है तो इसका वर्क कितना है, इसका वर्क कितना है, इसकी एनर्जी क्या है, क्योंकि ये अकेला है. और पोटेंशियल एनर्जी, देखो चार्जेस की एनर्जी किस में रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में रहेगी. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, बोलो नहीं क्या. तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है तो अगर यहां से वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क इज इक्वल टू V इनटू Q, पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो पोटेंशियल तो है इसका, लेकिन इसको अपोज कर रहा है ये किसी को अपोज नहीं कर पा रहा. यहां पे कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, जब कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो फिर यहां पे पोटेंशियल तो है इसका, इसका पोटेंशियल तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0Q1 डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर कोई भी डिस्टेंस आए, तो इसका पोटेंशियल तो है V1, लेकिन r डिस्टेंस पे यहां इसको आइए r डिस्टेंस है, यहां पे कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, और जब दूसरा चार्ज नहीं है तो क्या वर्क जनरेट होगा, वर्क जनरेट नहीं होगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं इसके पास, यहां पे इंफिनिटी से, यहां इंफिनिटी है और इंफिनिटी से हम पर Q2 चार्ज यहां पे लेके आते हैं. तो जैसे जैसे ये Q2 चार्ज, ध्यान से समझना, जैसे जैसे ये Q2 चार्ज इधर आएगा तो इस ये चार्ज इस Q2 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा. भाई क्लियर है, ये दोनों में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये इसको रिपेल करेगा और एक्सटर्नल फोर्स से हम Q2 को इधर लेके आ रहे हैं. तो जैसे ही Q2 यहां पर आएगा तो अब यहां पर जो वर्क था इस चार्ज का W1 वो तो क्या था, जीरो. अकेले चार्ज का कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दूसरा चार्ज यहां पे आएगा तो इस चार्ज का जो पोटेंशियल है ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके फोर्स लगाएगा. तो यहां से अगर अपन W12 की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल तो रहेगा इसका V1. इस फॉर्मूले से देखो पोटेंशियल तो इस चार्ज का, और चार्ज कौन सा जो हम लेके आ रहे हैं, बोलो नहीं क्या. तो W12 क्या आ जाएगा बेटा, W12 इज इक्वल टू V1 क्या है, 1/4πε0Q1/r1 या r डिस्टेंस से तो r ले लेते हैं. ठीक है, या r1 ले लो तो क्या आ जाएगा r1, या 1/2 जो है तो 1/2 ले लीजिए, यहां से आ जाएगा 1 इनटू Q2. ठीक है, तो वर्क कितना आ गया यहां से, W इज इक्वल टू 1/2 1/4πε0Q1 इंटू Q2 अपॉन R12. ये आ गया आपके पास वर्क या फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर आपके पास आ गया वर्क. ठीक है, इनफिनिटी से इस Q1 चार्ज को किसी भी पॉइंट पर आगे तक लेके जाएंगे तो कोई
कोई भी वर्क यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरेट नहीं होगी। क्लियर है? इसलिए इसका जो वर्क है यहाँ से इन्फिनिटी पर भी उतना ही जीरो रहेगा, और इन्फिनिटी से इसको लेकर ए पॉइंट पे जाइए, बी पे जाइए, सी पे जाइए, सभी जगह जी। लेकिन अगर एक चार्ज पहले से ही यहाँ प्लेस्ड है, लेट अस कंसीडर यहाँ पे क्यू चार्ज पहले से ही प्लेस्ड है और अब ये चार्ज इन्फिनिटी से इधर आ रहा है, तो ये जो चार्ज है ये इस पे क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ये इस पे क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो वहां वर्क जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी तो यहाँ पर इन दोनों से जो वर्क जनरेट होगा या जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या होगी? के कौन से दो चार्ज है? क्यू इंटू क्यू वन। और डिस्टेंस अगर ये यहाँ पे आर डिस्टेंस है तो आर। ठीक है? अच्छा बताओ, अगर तीसरा चार्ज लेके आए तो दो चार्ज पहले से ही है और एक चार्ज यहां मान लीजिए पॉइंट बी है और यहां पॉइंट सी है और ये थर्ड चार्ज लेके आए, थर्ड चार्ज यहां लेके आएंगे सी पॉइंट पर, तो अब कौन कौन से चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे? क्यू थ्री पे क्यू टू भी फोर्स लगाएगा, ये क्यू वन भी फोर्स लगाएगा और क्यू भी फोर्स लगाएगा, तो इसके पोटेंशियल के साथ इसका वर्क और इसके पोटेंशियल के साथ इसका वर्क, ये तो आ गया थ्री चार्जेस के लिए वर्क या पोटेंशियल एनर्जी और ये आ गई टू चार्जेस के। तो टोटल जो वर्क है वो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल वर्क देखिए यहां से टू चार्जेस के लिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा? अकेले चार्ज के लिए तो क्या था? सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस आपके पास है जी क्यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू वन टू। डब्ल्यू वन क्या है? जीरो। जब इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए तो कोई दूसरा चार्ज अपोज ही नहीं कर रहा था तो इसका वर्क तो जीरो। सो जीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू या यू इज इक्वल टू जीरो प्लस वन टू कितना है? वन टू आपके पास आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर वन टू। तो टोटल वर्क क्या जाएगा? टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर वन टू। ये आ गया जो सिस्टम एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ध्यान रखना है जब भी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हम पढ़ेंगे तो पहला जो चार्ज है जब भी इन्फिनिटी से आता है उसका वर्क जीरो रहेगा क्योंकि वहां पर अपोज फोर्स नहीं रहता। लेकिन जब पहला चार्ज यहाँ पहले से ही बैठा है और कोई दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से इसके पास आएगा तो ये उसका अपोज करेगा, इसका पोटेंशियल होगा और इसके पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके चार्ज से तो उससे वर्क आ जाता है। क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है वर्क का? वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू क्यू। ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना? इस तरह से टू चार्जेस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और ये कैलकुलेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तीन चार्ज होंगे उसको हम कल करते हैं, तीन चार्ज और चार चार्ज के लिए। तो तीन होंगे तो मैंने बता दिया तीसरा जो चार्ज आएगा क्या होगा? तीसरा चार्ज आएगा, ये मान लीजिए तीसरा चार्ज यहाँ से आ रहा है क्यू थ्री इन्फिनिटी से, तो ये क्यू टू भी इसको रिपेयर करेगा और ये क्यू वन भी इसको रिपेयर करेगा। बोलो नहीं क्या? तो इसका अकेले का तो वर्क जीरो है तो डब्ल्यू वन जीरो, डब्ल्यू वन टू, वन टू मतलब वन और टू का, वन और टू का तो आएगा। अब यहाँ तीसरा चार्ज भी आ गया, तीसरा चार्ज आ गया तो ये वन और थ्री का भी कोई ना कोई वर्क होगा और टू और थ्री का भी वर्क होगा। ठीक है ना? इस तरह से इसका ये तो है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और जो मैंने अभी बताया वो थ्री चार्जेस के लिए, इसकी कैलकुलेशन हम कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जो हमारी चैनल आरसीआई की उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।